उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के 11 गांव के लोग अपने गांव में अंतिम बार विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालेंगे। अगले साल सोनभद्र के अमवार गांव में पांगन नदी और कन्हर नदी संगम पर 4 दशक से 2700 करोड़ की लागत से बनने वाले कन्हर डैम बनकर तैयार हो जाएगा। उसे सिंदरू भिसूर कोरची गांव सहित 11 गांव डूब जाएंगे। अपने गांव में अंतिम बार मतदान करने वाले इन लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। समस्या यहाँ पे वही है, विस्थापित को लेकर समस्या है। बहुत लोगों का अभी तक नाम नहीं जोड़ा गया है, कुछ लोग तपेक्षा वाले जैसे हैं, कुछ यहाँ पे गांव टाइप के हमारे बहुत साल से रह रहे हैं, 30-35 साल से रह रहे हैं लोग, निवास कर रहे हैं, उनको भी नहीं दिया गया अभी तक, तो इनका नहीं हुआ। जो हमारे नाम जुड़े हुए हैं उनको जब पूरा फाइनल चेक नहीं हुआ है। हम लोग गाँव छोड़ना चाहते हैं, समय से पैसा मिल जाए, समय से हम लोग बंधा बनने से पहले हम लोग चुका छोड़ देंगे। तो चुनाव हो रहा है, सांसद विधायक ये सब समस्या के प्रति आप लोग कहते हैं? हम लोग बहुत सांसद के पास भी रखे हैं, विधायक जी के पास भी रखे हैं, कहते हैं भी करेंगे लेकिन करते नहीं हैं। अब वो कहेंगे हमको वोट दीजिए, किनको दिया जाए जो हमारी समस्या को सुनेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जो हमारी समस्या को हल करेंगे, उनको हम मतदान करेंगे। तो आपका कोई भी हेल्प नहीं किया, मतलब सांसद विधायक कोई भी? अभी तो कोई हमें कोई हेल्प नहीं किया अब तक। हाँ, लास्ट चुनाव है और बड़ी दुख के साथ हम लोगों को वोट करना है, इसलिए कि नागरिकता के आधार पर हम लोगों का, विस्थापितों का कोई नेता न मंत्री न कोई विधायक न सांसद कोई बात सुनते नहीं है, न तो कोई अधिकारी कर्मचारी। हम लोग इस परियोजना के, कन्हर परियोजना के जो भी जमीन जायदाद गया है यहाँ का, उसके लिए मुआवजे का मांग कर रहे थे कि नए कानून के तहत मुआवजा दिया जाए, यानी धारा 24-2 बहाल करके, तो सरकार ने दूसरी अनुसूची लागू करके 7,11,000 तीन पीढ़ी तक पैकेज दे रही है, फिर भी उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। उस मांग करने में संगीन से संगीन अपराध में कई लोगों को मुकदमा कर पंचीबद्ध कर दिया गया, हमको भी गुंडा एक्ट लगा दिया गया। इसलिए मेरा मांग है कि सरकार जितने लड़की वारिस हैं उनको अधिकार दे, वारिसाना हक दे, इसके अलावा रहने के लिए विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास दे और पैकेज और कंपनसेशन का धनराशि दूना करे, महंगाई के देखते हुए खेती का जमीन दे। इसके अलावा हम लोगों को रोजगार के दृष्टि से नौकरी दे। जी, लास्ट चुनाव है, चुनाव तो आ रहा है, कितनी बार हम लोगों ने वोट दे के विधायक बनाया, सांसद बनाया, लेकिन हम लोगों के बात कोई नहीं सुनता है। क्यों? हमारे विस्थापन क्षेत्र में जितने भी समस्या हैं हम लोग लेके जाते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री विधायक सांसद हम लोगों की समस्या का समाधान आज तक किसी ने नहीं किया। तो इस बार क्या करेंगे चुनाव में? अपने मर्जी से हम लोग वोट करेंगे, अपने नागरिकता के आधार पर, और जो हम लोगों के लायक प्रत्याशी दिखाई देंगे। दिक्कत यही है कि यहाँ हमारा डिहवार है, देवता देवी सब कोई है, दिक्कत यही हो रहा है कि हम बच्चा को नर नाभी सबको यहाँ गड़ा है, यहीं पर हम लोग गुजर बसर कर रहे थे। हमारा जमीन को जो है, जमीन में हमको जितना मोहब्बत है उतना किसी का नहीं मोहब्बत है। हमारा दुख दर्द हो रहा है, जब निकलने से घर से सोचने से आंसू चल रहा है पहले, और सरकार अभी दे नहीं रहा है, मुआवजा नहीं दे रहा है, सिंचाई विभाग हम लोग के ऐसी कुदा देगा, तीन पीढ़ी के कहा है कम से कम तीनों पीढ़ी के हमरा दे देवे मुआवजा, हम लोग चले जाएंगे।